नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। चीन का नाम सुनते ही बस एक ही ख्याल सामने आता है और वो है चीन की हड़प नीति। आप इसका असर श्रीलंका में देख सकते हैं कि कैसे चीन ने पहले कर्ज देकर श्रीलंका को फंसाया, फिर कर्ज ना चुकाने पर श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह हड़प लिया और अब श्रीलंका का हाल देख लीजिए। इसी तरह चीन भारत को घेरने के लिए नेपाल पर गिद्ध की नजर लगाए हुए है। इससे पहले आप जानते हैं कि तिब्बत के इलाके में नेपाल की कई हेक्टेयर जमीन हड़प लिया है। अब उसी मामले में चीनी विदेश मंत्री यांग यी नेपाल दौरे पर हैं, लेकिन दौरे से पहले नेपाल में हड़कंप मचा है और डर कर नेपाली पीएम भारत दौरे पर आ रहे हैं। यहां पर एक जानकारी देते चले कि पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल का एक प्रतिनिधि मंडल बीजिंग पहुंचा है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि चीन अब केपी ओली और उनके विरोधी प्रचंड के बीच समझौता कराना चाहता है। उधर चीन के बढ़ते दखल के बीच अब नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा श्रीलंका का दौरा रोककर भारत के दौरे पर आ रहे हैं। काठमांडू पोस्ट की माने तो प्रधानमंत्री देउबा 3 दिन की यात्रा पर 1 अप्रैल को भारत आ रहे हैं। देउबा चीन के विदेश मंत्री वांग यी के नेपाल यात्रा के ठीक बाद भारत आ रहे हैं। भारत के दौरे की अहमियत को देखते हुए नेपाली प्रधानमंत्री बिम्स्टेक की बैठक में हिस्सा लेने के लिए श्रीलंका नहीं जा रहे हैं। वह अब वर्चुअली इस बैठक को संबोधित करेंगे। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी और देउबा के बीच मुलाकात में चीन और अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर अहम चर्चा हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देउबा 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक भारत के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद देउबा की यह पहली विदेश यात्रा है। माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान सीमा पार रेलवे सेवा शुरू करने को लेकर समझौता हो सकता है। देउबा की यह भारत यात्रा चीनी विदेश मंत्री की काठमांडू यात्रा के ठीक बाद होने जा रही है। यह किसी नेपाली प्रधानमंत्री की 4 साल बाद पहली भारत यात्रा है। इससे पहले ओली भारत आए थे, लेकिन उनके कार्यकाल में भारत से संबंध बहुत खराब दौर में पहुंच गए थे। जानकारों की माने तो चीन नेपाल पर काफी गुस्सा है, क्योंकि नेपाली संसद ने अमेरिकी सहायता MCC को मंजूरी दे दिया है। इसको लेकर चीन का मानना है कि उसके बेल्ट एंड रोड परियोजना की काट के लिए अमेरिका ने इसे शुरू किया है। तो आप समझ सकते हैं कि नेपाल क्यों परेशान है और देउबा भारत क्यों आ रहे हैं।